जो स्टूडेंट्स ऑफ बीजी क्लास, जो भी बच्चे लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, जो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो जिनके सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा होगा, ये स्टूडेंट्स उनके लिए आज के इस वीडियो में हम बेसिक फंडामेंटल वी कैन से बेसिक टू विच इज वी कैन से बेसिक फंडामेंटल फॉर द लीनियर अलजेब्रा और वी कैन से इट इज बेसिक टूल फॉर टू स्टडी द लीनियर अलजेब्रा बेसिक कंसेप्ट दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस इज होली यूज्ड इन स्टडी ऑफ लीनियर अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए ऑलवेज वी यूज मैट्रिसेस. इसी का डेफिनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर लें, कुछ चीजें जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, इनिशियल सेगमेंट, डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट क्या होता है. इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिवाइज कर लूंगा. इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट दैट इज NM इज इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट इज डिनोटेड बाय NM. इट इज द सेट व्हिच कंटेन्स M एलिमेंट्स. फर्स्ट M एलिमेंट्स 1, 2, 3 सो ऑन अप टू M. इनिशियल सेगमेंट. इसी तरह हमारे पास सेकंड इनिशियल सेगमेंट भी ले सकते हैं, दैट इज NN. इट कंटेन्स फर्स्ट N एलिमेंट 1, 2, 3 सो ऑन अप टू N. ये हमारे पास दो सेट्स हैं, सिंपली सेट्स हैं, बट दीज आर द पर्टिकुलर सेट्स और वी कैन से दीज आर द पर्टिकुलर सबसेट्स ऑफ ए नेचुरल सेट. लेकिन सबसेट्स में से भी पर्टिकुलर सेट्स दैट इज NM विच कंटेन्स रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं फर्स्ट M एलिमेंट्स. इसी तरह NN अनदर इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट विच कंटेन्स फर्स्ट N एलिमेंट्स. ये हमारे पास दो सबसेट्स हैं. जब हमारे पास दो सबसेट्स हैं, एक ही सेट होगा, दो सबसेट्स हैं, विच मीन्स दे आर आल्सो इटसेल्फ सेट्स. इफ वी हैव टू सेट्स आर इफ वी हैव वन सेट, वी कैन फाइंड आउट देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट. A well-known operation which is defined on a given set or sets. We have here NM is one set and N is another set. We have the Cartesian product of these two sets. The Cartesian product of these two sets is NM cross NN. ये हम define कर सकते हैं. It contains the ordered pairs J, I, J. Generalize हम लिखेंगे यहाँ पे such that I belongs to NM and J belongs to NM. ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. And clearly I जब NM में होगा, then I runs from one to M and J belongs to NM, J runs from one to N. ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन सेट्स होगा. इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. वी हैव हियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इनिशियल सेगमेंट्स. दिस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर मोर देन टू सेट्स इज अगेन ए सेट. वो भी एक सेट होता है. टेकिंग दिस सेट एज एस, इसको हम मान ली एक सेट है एस विच कंटेन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सेट. ये हमारे पास एक सेट ऐसा है. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स आर वी हैव सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आप जानते हैं, इफ वी हैव ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसी तरह इफ वी हैव ए रियल सेट, वी हैव सबसेट्स ऑफ रियल सेट. फिलहाल हम डेफिनेशन में रियल सेट्स की बात कर रहे हैं. जनरलाइज हम लेंगे के के इज आइदर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट. रिमेंबर दिस, इट इज आइदर सेट ऑफ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट, सबसेट
ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट और रियल सेट, रिमेंबर दिस, के हमने यहां पे चूज किया। नाउ वी हैव हियर टू सेट्स एस एंड के, दिस इंटरेस्टिंग है, वी हैव हियर टू सेट्स एस एंड के, वी हैव नाउ फाइंड अ रूल विच इज डिफाइन ऑन दिस टू सेट्स, हम एक रूल यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, और वी कैन से दैट रूल इज ए फंक्शन, जो आपने पढ़ा होगा फंक्शन आपने पढ़ा होगा, इफ वी हैव अ रूल से अल्फा, हम लेंगे रूल फ्रॉम एस टू के डिफाइंड एज, डिफाइंड हम एक इस तरह का लेंगे, अल्फा ऑफ आई कॉमा जे इट इज इक्वल टू अल्फा आई जे, यस इंटरेस्टिंग है, वी हैव एस हियर, एस इज द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल सेगमेंट्स दैट इज एन एन क्रॉस एन एन, इफ वी हैव दिस सेट एंड वी हैव आइदर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट और सबसेट ऑफ रियल सेट, अब हम कोई सा भी चूज कर लेंगे, वी टेक हियर के आइदर दिस इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट और रियल सेट। अब हम यहां इस एस और के पे एक रूल, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अल्फा, डिफाइन फ्रॉम एस टू के, डिफाइंड एज अल्फा इस एस में एलिमेंट्स हैं आई जे, इट इज डिफाइंड एज अल्फा टाइम्स आई जे, अल्फा टाइम्स आई जे क्या है, इट इज आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, डियर स्टूडेंट ये जो यहां पे फंक्शन है, ये फंक्शन जो डिफाइन हमने यहां पे किया, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रख लेना। डेफिनेशन क्या हुआ इसका, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, गिवन ए फंक्शन, रिमेंबर दीज थिंग्स, अल्फा फ्रॉम एस टू के डिफाइंड एज एज अल्फा आई जे, इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई जे, देन द फंक्शन फंक्शन is called a matrix, इसी को हम matrix बोलते हैं, हमारे पास एक function आ गया which is called a matrix, means dear students ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, a function defined from a particular set to particular set, that particular function is called a matrix, अब हमारे पास matrix है, मालूम नहीं है एलिमेंट्स कहाँ है, कहाँ पे है, किस तरह है, जब कोई चीज आपके घर में भी होता है ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ठीक नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिखरी पड़े हैं, अच्छा नहीं लगेगा, वी हैव टू अरेंज देम, अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है ऐसे ही गिरे पड़े हैं, अगर उनका अरेंजमेंट हम डाल देंगे किसी खास जगह पे कोई खास चीज, किसी खास जगह पे कोई खास चीज रख लेंगे, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग, एंड देन दिस रूम बिकम्स ए ब्यूटीफुल रूम इफ वी टेक द अरेंजमेंट, इसी तरह जब यहां पे फंक्शन है, जो फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर, मालूम नहीं है कहां है, कहां किस तरह बिखरे पड़े हैं, उनका भी अरेंजमेंट हम डाल सकते हैं, इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले, इनका अरेंजमेंट क्या है और किस तरह हम इनका अरेंजमेंट ले सकते हैं, डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन था, रिमेंबर दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स विच आर यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स,
डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि आज का वीडियो में इख्तिताम पजीर कर लूं, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।